यहाँ के बड़े बड़े बातें करने वालों पहलवानों चड्डों में से मोने पलट गए। अगर पहलवान थे तो चंद्रायन गुट्टे को आना था ना, लड़ लेना था ना अखबारों ऐसी से। फिर पूछते मजलिस ने क्या किया, अरे हमने काम किया। और फिर इल्जाम, अरे बहुत है मेरे पास बोलने को, बहुत बोल सकता हूं, मगर आपके दिल से दिल पे हाथ रखकर बोलो, कोविड आया तो क्या मजलिस आपके दरमियान में नहीं थी? तूफान आया तो क्या आपके दरमियान में नहीं थी? हम काम करें, 200 चिल्लर करोड़ रुपया मैंने मंजूर करवाया, एसआरटी कॉलोनी में 100 बिस्तर का दवाखाना, बारकस में दवाखाने के ऊपर एक छत, गौस नगर में 100 बिस्तर का दवाखाना, पालम रोड में 100 बिस्तर का दवाखाना, चार मीनार दवाखाने को नया बनाने के लिए 72 करोड़, और फिर डबिलपुरे के दवाखाने के लिए 40 करोड़। फिर पूछते मजलिस ने क्या किया, अरे बाबा तुमने क्या किया? वो जो लोग दावे करते हैं कि हमने काम किया काम किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या एक छोटा टाइपराइटर का इंस्टीट्यूट बनाया? अरे मैं अपने जेब से स्कूल चलाता हूं, नशेमन नगर में स्कूल, जमाल कॉलोनी में स्कूल, हाफिज बाबा नगर में 2 स्कूल, नरखी फूलबाग में 1 स्कूल, सरारा बारकस में स्कूल, बल्ला घोड़े में स्कूल, अंबरपेट में स्कूल, डार्जिलिंग स्कूल बना दिया, और मोगलपुरे में एक सेंटर है, 15,000 बच्चों के तालीम का इंतजाम क्या किसी ने किया? हिंदुस्तान में कोई एमएलए नहीं होगा जो काम मैंने किया, मैंने किया। 15,000 बच्चे, हर साल 5,000 बच्चों को मुफ्त 10th की ट्यूशन, इंटरमीडिएट की ट्यूशन, नीट की ट्यूशन, एमसेट की ट्यूशन, नाटा की ट्यूशन, आईसेट की ट्यूशन, इंजीनियरिंग की ट्यूशन, सैट की ट्रेनिंग, जीमैट की कोचिंग, आईएलएस की कोचिंग, आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग, रेलवे रिक्रूटमेंट की भी ट्रेनिंग करेंगे इंशाल्लाह तआला। वो दिन दूर नहीं, इसी या खुद पूरे और पुराने शहर की गलियों से आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस निकाल के बता देगा अकबरुद्दीन ओवैसी। निकलेंगे जरूर, सिर्फ बातें नहीं कह रहा हूं, अरे मैं तफसीलात लेकर आता हूं। मुझे खुद हैरत हुई, पाशा खादरी साहब, हमारे इब्राहिम साहब, मेराज साहब, मैं मोगलपुरे पर फख्र मिल्लत के नाम से कोचिंग का सेंटर चला रहा, वहां पर याखुदपुरे के 116 बच्चे 10th पढ़ने आ रहे, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के 60 बच्चे, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के, इंटरमीडिएट के 252, एसएससी के 196। एक हजार बच्चे याखुदपुरे के मोगलपुरे के सेंटर में फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। नशेमन नगर के स्कूल में 1500 बच्चों के मुफ्त तालीम, डार्जिलिंग मुराद महल में उतर कर जाकर देखो, जाकर देखो, 1,00,000 स्क्वायर फीट से सालारे मिल्लत एजुकेशनल कैंपस KG to PG स्कूल आएगा, जूनियर कॉलेज आएगा, डिग्री कॉलेज आएगा, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आएगा, और वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर भी आएगा। ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग होगी, सुइंग की ट्रेनिंग होगी, मेहंदी डिजाइनिंग की ट्रेनिंग होगी, कार चौक की ट्रेनिंग होगी, जरदोजी की ट्रेनिंग होगी, पापड़ बनाने की ट्रेनिंग होगी, डिटर्जेंट बनाने की ट्रेनिंग होगी, साबुन बनाने की ट्रेनिंग होगी, घर में अचार बनाने की ट्रेनिंग होगी। हमारी माँ हमारी बहन घर में बैठ कर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करेगी। चंद्रायन गुट्टे में 2,00,000 खवातीन को हमने ट्रेन किया है। क्या किसी ने किया?
4000 बच्चे आएंगे। आप बोलेंगे अकबर साहब चंद्रायन गुट्टे में हो गया, यहां क्या दो स्कूला याकूतपुरे में भी है, नशेमन नगर याकूतपुरे में, डैजलिंग याकूतपुरे में। हां इधर होना है। अकबरुद्दीन ओवैसी 14 इमारतें बना दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि काम रुक गया, खत्म हो गया। जब तक जिंदा हो ईंट से ईंट जुड़ते रहेगी, दीवारें उठते रहेंगी, छतें डलते रहेंगी, तालीमी इदारे बनते रहेंगे। और आज 15,000 है, इंशाल्लाह मेरे मरने से पहले 50,000 तक पहुंचा कर जाऊंगा। कोई बनाए या ना बनाए, यहां इस इलाके में भी जरूर बनाऊंगा। अकबर ओवैसी सिर्फ बातें नहीं करता, अकबर ओवैसी इन गरीब मुसलमानों के एहसान तले दबा है। अरे तुम्हारा एहसान है, आपका एहसान है कि मैं जिंदा हूं, मेरे बच्चे पे मेरा सर पर मेरा हाथ है, मेरी बीवी बेवा नहीं हुई, मेरी मां को मेरी मैयत को देखने का गम उठाना नहीं पड़ा, मेरे भाई के खांदे पर मेरे जनाजे का बोझ नहीं आया। आपकी दुआएं थी कि गोलियां लगने के बाद, चाकू लगने के बाद भी आज जिंदा हूं, आपके दरमियान हूं मैं। क्या मेरी औलाद के जिस्म के चमड़ियां भी निकाल दो और उसके जूतियां बनाकर अगर आपके कदमों के नजर कर दो, तब भी आपके दुआओं के हल वो एहसान को अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अकबर ओवैसी चंद्रायन गुट्टे का एमएलए नहीं, तेलंगाना के हर मजलूम का एमएलए है, हर मुसलमान का एमएलए है। या खुद पूरे को मैं देखूंगा। अरे यहां आके बड़े बड़े बातें करने वालों, पहलवानों चड्डों में से मोने पलड़ गए। अगर पहलवान थे तो चंद्रायन गुट्टे को आना था ना, लड़ने ना था ना अकबर ओवैसी से। नहीं, चंद्रायन गुट्टा खिला बना है, कोई नहीं आ सकता, कोई छुरी भी पर नहीं मार सकती। ये है ताकत, ये है मोहब्बत, ये है इत्तेहाद। और मैं आज कह रहा हूं, मेरी बात को लिख लो, चंद्रायन गुट्टे से मजबूत मजलिस का खिला याकूतपुरा है। दीवानों को मालूम नहीं याकूतपुरा क्या है, ये 3 तारीख को मालूम होगा।